नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से नीतीश कुमार के लालू प्रसाद यादव के सामने गिड़गिड़ाने वाले बयान पर मंत्री अशोक चौधरी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव के पास वीडियो है तो वीडियो जारी कीजिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग भी देखें कि आखिर क्या है उनके पास। नीतीश कुमार के जाने से किस पार्टी को फायदा हुआ सब जानते हैं। वही जीतन राम मांझी के बयान पर अशोक चौधरी ने कहा कि उन्हें जानकारी देनी चाहिए कि कौन ऐसे नेता है जो शराब पीते हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा सुनिए। अगर ये इतना जोर से बोल रहे हैं कि अपराधी हैं तो इनकी पत्नी को ये टिकट काहे दिए, क्यों सिंबल दिए, ये तो प्रश्न पूछेंगे ना हम कि अगर अनंत सिंह अपराधी हैं तो उनकी पत्नी को सिंबल क्यों दिए। इसका जवाब तेजस्वी यादव जनता को दें तब फिर हम बताएंगे नीतीश कुमार क्यों गए थे। नीतीश कुमार किसी के घर पे नहीं गए थे, नीतीश कुमार बाढ़ जाने के क्रम में गए थे और नीतीश कुमार कम से कम अनंत सिंह के यहाँ 50 बार जा चुके हैं अपने राजनीतिक पूरे कार्यकाल में, कोई पहली बार नहीं गए थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने पहली बार टिकट दिया था जानते हुए लालू प्रसाद यादव ने उनको अपराधी कहा था, उनके ऊपर किस तरह की उनके ऊपर विपत्तियां आई थी जब वो नीतीश जी के साथ थे, फिर भी आपने टिकट दिया। दोषी कौन, नीतीश कि लालू, जनता को सोचना। लोगों की परेशानी को कम करने का सरकार की नीयत है और सरकार का ये प्रयास है कि बहुत से लोगों का परिवार में बंटवारा हुआ, दादाजी के समय बंटवारा हुआ, कुछ भाई ने जमीन बेच दिया, कुछ लोगों ने जमीन अपने पास होल्ड किया है। मैं समझता हूं कि अगर ये प्रॉपर सर्वे अगर हो जाएगा तो बहुत से जमीन के लिए जो विवाद है, माननीय नेता नीतीश कुमार की ये सोच है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो घटनाएं हो रही है उसमें ज्यादातर घटनाएं जमीन से संबंधित है और जमीन में अगर सर्वे हम प्रॉपर करवा लेंगे तो ये जमीन की समस्या भविष्य में आने वाले समय के लिए खत्म हो जाएगी, उस नियत से ये सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं सुनने में आता है, हम लोग भी नीचे से खबर आती है कि सर्वे में, तो उन सब चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए सरकार भी अपनी तरह से पॉलिसी बना रही है और हम समझते हैं कि इस सर्वे के बाद बहुत सी जो समस्याएं जमीन से रिलेटेड है उसका खामियाजा हो जाएगा, उसको पूरी तरह से हम लोग खत्म करने में सक्षम हो पाए। झूठ बोलने से अच्छा है कि उसको सार्वजनिक करें। मौका है, जब आप पब्लिक में बोल रहे हैं तो पब्लिक में सार्वजनिक कीजिए ना। आप बोल रहे हैं पब्लिक में, दिखाइएगा अकेले अकेले में, गलत बात है ना। आपको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार का ऐसा कुछ है आपके पास कि लालू यादव के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, करिए सार्वजनिक, हम लोग भी देखें। आपको तो लगता है कि तेजस्वी जो कह रहे हैं कि दो बार उन्होंने नीतीश कुमार को जीवन दान दिया, उनकी कृपा रही, तब नीतीश कुमार की सरकार, ऐसा है कि इस पर हम पहले भी बोल चुके कि माननीय नेता के साथ आने से किन किन राजनीतिक दल को फायदा हुआ है ये चुनाव के आंकड़े बताते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, परेल को वो फारसी क्या, आंकड़ा देखिए। झूठ बोलना, बार बार एक ही बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, आंकड़ा देखिए। जब जब राजनीतिक दल नीतीश कुमार के साथ आए हैं आंकड़ा क्या करता है, हम क्यों बोलने से और उसमें, आंकड़ा देखिए, आंकड़े से समझ में आएगा क्या स्थिति थी लालू प्रसाद यादव की 2015 के पहले, कितने सीटों पर थे नीतीश जी के साथ अलायंस करने के बाद, उनकी क्या स्थिति है, सब तो आंकड़ा कहता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से नीतीश कुमार के लालू प्रसाद यादव के सामने गिड़गिड़ाने वाले बयान पर मंत्री अशोक चौधरी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव के पास वीडियो है तो वीडियो जारी कीजिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग भी देखें कि आखिर क्या है उनके पास। नीतीश कुमार के जाने से किस पार्टी को फायदा हुआ सब जानते हैं। वही जीतन राम मांझी के बयान पर अशोक चौधरी ने कहा कि उन्हें जानकारी देनी चाहिए कि कौन ऐसे नेता है जो शराब पीते हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा सुनिए। अगर ये इतना जोर से बोल रहे हैं कि अपराधी हैं तो इनकी पत्नी को ये टिकट काहे दिए, क्यों सिंबल दिए, ये तो प्रश्न पूछेंगे ना हम कि अगर अनंत सिंह अपराधी हैं तो उनकी पत्नी को सिंबल क्यों दिए। इसका जवाब तेजस्वी यादव जनता को दें तब फिर हम बताएंगे
नीतीश कुमार क्यों गए थे? नीतीश कुमार किसी के घर पे नहीं गए थे, नीतीश कुमार बाढ़ जाने के क्रम में गए थे। और नीतीश कुमार कम से कम अनंत सिंह के यहाँ 50 बार जा चुके हैं अपने राजनीतिक पूरे कार्यकाल में, कोई पहली बार नहीं गए थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने पहली बार टिकट दिया था, जानते हुए लालू प्रसाद यादव ने उनको अपराधी कहा था, उनके ऊपर किस तरह की उनके ऊपर विपत्तियां आई थी जब वो नीतीश जी के साथ थे, फिर भी आपने टिकट दिया। दोषी कौन, नीतीश कि लालू? जनता को सोचना। लोगों की परेशानी को कम करने का सरकार की नीयत है और सरकार का ये प्रयास है कि बहुत से लोगों का परिवार में बंटवारा हुआ, दादाजी के समय बंटवारा हुआ, कुछ भाई ने जमीन बेच दिया, कुछ लोगों ने जमीन अपने पास होल्ड किया है। मैं समझता हूं कि अगर ये प्रॉपर सर्वे अगर हो जाएगा तो बहुत से जमीन के लिए जो विवाद है, माननीय नेता नीतीश कुमार की ये सोच है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो घटनाएं हो रही है उसमें ज्यादातर घटनाएं जमीन से संबंधित है, और जमीन में अगर सर्वे हम प्रॉपर करवा लेंगे तो ये जमीन की समस्या भविष्य में आने वाले समय के लिए खत्म हो जाएगी। उस नियत से ये सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं सुनने में आता है, हम लोग भी नीचे से खबर आती है कि सर्वे में, तो उन सब चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए सरकार भी अपनी तरह से पॉलिसी बना रही है। और हम समझते हैं कि इस सर्वे के बाद बहुत सी जो समस्याएं जमीन से रिलेटेड है उसका खामियाजा हो जाएगा, उसको पूरी तरह से हम लोग खत्म करने में सक्षम हो पाएंगे। झूठ बोलने से अच्छा है कि उसको सार्वजनिक करें। मौका है, जब आप पब्लिक में बोल रहे हैं तो पब्लिक में सार्वजनिक कीजिए ना। आप बोल रहे हैं पब्लिक में, दिखाइएगा अकेले अकेले में, गलत बात है ना। आपको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार का ऐसा कुछ है आपके पास कि लालू यादव के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, करिए सार्वजनिक, हम लोग भी देखें। ऐसा है कि इस पर हम पहले भी बोल चुके, माननीय नेता के साथ आने से किन किन राजनीतिक दल को फायदा हुआ है ये चुनाव के आंकड़े बताते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, परेल को वो फारसी क्या, आंकड़ा देखिए। झूठ बोलना, बार बार एक ही बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। आंकड़ा देखिए, जब जब राजनीतिक दल नीतीश कुमार के साथ आए हैं आंकड़ा क्या करता है। हम क्यों बोलने से और उसमें आंकड़ा देखिए, आंकड़े से समझ में आएगा क्या स्थिति थी लालू प्रसाद यादव की 2015 के पहले, कितने सीटों पर थे, नीतीश यादव के साथ अलायंस करने के बाद उनकी क्या स्थिति है, सब तो आंकड़ा कहता है।